goes to Natu Natu. गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में फिल्म ट्रिपल आर के गाने नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर की श्रेणी में पुरस्कार से नवाजा गया। इस खबर के सामने आते ही भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि शाहरुख खान, आलिया भट्ट और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म के मेकर्स को बधाई दी है। लेकिन क्या आप जानते कि ट्रिपल आर के इस गाने की शूटिंग कहां हुई थी? इस गाने की शूटिंग यूक्रेन में हुई थी, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के आधिकारिक आवास के बाहर। जी हां, यूक्रेन के रूसी आक्रमण से कुछ महीने पहले इस ट्रैक को ज़ेलेंस्की के आधिकारिक निवास के बाहर फिल्माया गया था। इसे बनाने में काफी वक्त लगा था। गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब अपने नाम किया है, जिस पर मेकर समेत फिल्म में मौजूद हर एक स्टार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुरस्कार से नवाजे जाने के बाद निर्देशक एसएस राजमौली की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। राजमौली ने कहा कि वो निशब्द हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाटू नाटू गीत की जीत पर ट्रिपल आर की पूरी टीम को बधाई दी। पीएम ने कहा, इस प्रतिष्ठित सम्मान ने हर भारतीय को बहुत गौरवान्वित किया है। तेलुगु गीत नाटू नाटू के संगीतकार MM कीरावनी है और इसको आवाज काल भैरव और राहुल ने दी है। समारोह खत्म होने के कुछ घंटों बाद राजमौली ने ट्विटर के जरिए एक पत्र साझा किया, जिसमें उन्होंने संगीत की अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ने की असीम क्षमताओं का उल्लेख किया। फिल्मकार ने लिखा, निशब्द संगीत की सचमुच कोई सीमा नहीं होती। राजमौली ने अपने इस ट्वीट के जरिए कीरावानी को धन्यवाद दिया, जो उनके रिश्ते के भाई भी हैं। उन्होंने कहा कि नाटू नाटू गीत देने के लिए आपका शुक्रिया, ये बेहद खास है। उनके साथ फिल्म ट्रिपल आर के कलाकार रामचरण और जूनियर NTR ने समारोह में शिरकत की थी। राजमौली ने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं दुनिया में हर जगह इस गीत पर थिरकने और इसे लोकप्रिय बनाने वाले हर एक शख्स का शुक्रिया अदा करता हूं। बता दें कि नाटू नाटू ने 14 अन्य गीत के साथ सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में 95वें अकादमी पुरस्कार की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। ट्रिपल आर भारतीय क्रांतिकारियों की एक काल्पनिक कहानी है। फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR अहम भूमिका में हैं। ये फिल्म 1920 के दशक की कहानी बताती है, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।